गोकू और ब्रॉली हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन थे। वो दोनों एक ही दिन पर पैदा हुए और रोने की वजह से गोकू को किसी ने इतना हिट नहीं किया जितना लेजेंडरी सुपर सैयन ने किया। शुरुआत में ब्रॉली का पावर लेवल पिछले हर एक सैयन से बहुत ज़्यादा था। 10,000 का पावर लेवल बर्थ पर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम गोकू का पावर लेवल देखें तो वो सिर्फ 2 था। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ब्रॉली कितना ताकतवर था। गोकू अपनी पूरी ज़िंदगी जिन जिन चीज़ों से भी जाता है उससे भी वो ब्रॉली के आसपास भी नहीं आ पाता। और जब गोकू 18 साल का हो जाता है उसका पावर लेवल 325 होता है। ब्रॉली सीधा सीधा पेट से निकला हुआ अब भी गोकू से ज़्यादा पावरफुल है। सिर्फ किंगकाई के साथ ट्रेनिंग करने के बाद गोकू आखिरकार बेबी ब्रॉली के आसपास भी आ पाता है। उसका पावर लेवल 300 से सीधा 8,000 पर चला जाता है, जिसके बाद कायोकिन की मदद से वो 8,000 से 16,000, 24,000 और पूरा ऊपर जाकर 32,000 तक अपना पावर लेवल बढ़ा लेता है। गोकू को 23 साल लग गए मगर अब हम बोल सकते हैं कि गोकू ने बेबी ब्रॉली को सरपास कर दिया है। अब ओरिजिनल ब्रॉली मूवी में हमें ब्रॉली एक टीन की तरह भी दिखा था। इस पॉइंट पर वो पहले ही सुपर सैयन था। वो स्पेस के वैक्यूम में भी सर्वाइव कर सकता था अपनी एनर्जी यूज करके। ये वो ब्रॉली है जिसकी वजह से पैरागस के फेस पर निशान है। पर जब गोकू एक सुपर सैयन बनता है तो वो 23 साल का होता है और वो ब्रॉली से बहुत ऊपर होता है। और यहाँ पर इन दोनों का गैप खत्म होना शुरू होता है। पहली बार गोकू सच में ब्रॉली से ज़्यादा ताकतवर होगा। ब्रॉली मूवी के स्टार्ट में ब्रॉली अपनी बेस फॉर्म में गोकू से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। वो नेकलेस जो वो पहनता है वो उसके रेज को रोकता है, तो इसलिए उसकी पावर गोकू से नीचे है। वजीटा ने भी ऐसा बोला था कि बेस फॉर्म ब्रॉली बहुत कमज़ोर है, अपनी सुपर सैयन फॉर्म में भी वो गोकू जितना ताकतवर नहीं है। पर जब वो अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म में आता है तो वो हर एक से ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। सबकी ताकत मिलाने के बाद वजीटा, गोहान, पिकोलो, ट्रंक्स, उन्होंने अपनी एनर्जी गोकू को दी ताकि गोकू ब्रॉली को हरा सके। पर नेचुरली ये गोकू की पावर नहीं है, ब्रॉली के पास अब भी गोकू से ज़्यादा पावर लेवल है। बू सागा के वक्त गोकू ने 2 नई फॉर्म अचीव कर ली हैं, सुपर सैयन 2 और सुपर सैयन 3। ये दोनों फॉर्म उसको ब्रॉली से बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देती हैं। जब ब्रॉली वापस आता है तो उसका पावर लेवल गोकू के आसपास भी नहीं होता, बल्कि बायो ब्रॉली इतना कमज़ोर है कि ड्रैगन बॉल सी के एंड पर गोकू की फुल पावर वहाँ ऊपर है और ब्रॉली की सीधा जाकर नीचे। पर ब्रॉली की कहानी तो बस शुरू हो रही है। जब गोकू एक गॉड बन जाता है, वीस के साथ ट्रेनिंग करता है, टूर्नामेंट में लड़ता है, वो बहुत ताकतवर बन चुका होता है जब वो ड्रैगन बॉल सी में था। इतना ज़्यादा कि पुराना ब्रॉली नज़र भी नहीं आता। मिलो नए ब्रॉली से जिसका बेस पावर लेवल गोकू और वजीटा के आसपास है। शुरुआत में गोकू सब कुछ कंट्रोल कर लेता है, ब्रॉली के पास कोई फॉर्म नहीं है और वो पहली बार लड़ रहा होता है। उसको कुछ टाइम लगता है पर जैसे फाइट जा रही होती है हम देखते हैं कि ब्रॉली हर एक पावर लेवल के ऊपर जा रहा है। वो उतना ताकतवर बनता जाता है जितना उसको ज़रूरत होती है। और जब वो एक सुपर सैयन बन जाता है तो वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। इस पॉइंट पर ब्रॉली गोकू की सारी फॉर्म से ज़्यादा ताकतवर होता है, सिर्फ एक को छोड़कर। हमने मूवी में इसको नहीं देखा पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अगर गोकू ने ये ब्रॉली मूवी में यूज़ किया होता तो ब्रॉली आसानी से हार जाता। ओमेन भी काफ़ी होता। अगर गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होना आता तो ब्रॉली उनको कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता। और ये था गोकू और ब्रॉली का पावर लेवल। तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, गोकू या ब्रॉली, नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।